Good morning, everyone. Here is the attendance link for you. Kindly update your attendance. Beta, attendance link I have provided you. Now update your attendance. And when the class is going to finish its 5 minutes, then the attendance link is going to be deleted. जैसे ही क्लास को 5 मिनट कंप्लीट होंगे वैसे ही अटेंडेंस लिंक आपका डिलीट कर दिया जाएगा. डू इट फास्ट. Okay, done. Very good. So, last topic which we have discussed about was related to the permanent tissues. Permanent tissues क्या होते हैं? Meristematic tissues क्या होते हैं? ठीक है? Meristematic tissues are the tissues which are going to divide forever, and the permanent tissues are going to be the tissue which has taken birth from the meristematic tissue. Meristematic tissue ही जब बनता जा रहा है तो meristematic tissue में जो पुराना होता जा रहा है tissue वो permanent बनता चला जा रहा है. ठीक है? So in this way permanent tissue has taken arise from the meristematic tissue itself. वहीं से वो आया है, कोई नई चीज नहीं है. ठीक है? और आपको जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द प्लांट, इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट, वो सारा कैटेगरी आपकी लेटरल मेरिस्टेम प्लस कैम्बियम की वजह से होती है. अभी आपको कैम्बियम नहीं समझ में आएगा, अभी कुछ समय के बाद में आने लगेगा. ठीक है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ये तीन पढ़े थे. एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी होने के बाद में वी वर टॉकिंग अबाउट द परमानेंट टिश्यूज. और परमानेंट टिश्यूज में आई हैड टॉक अबाउट पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड I have given the content on the board regarding the types of the cell. For example, this is a polygonal cells. और बेटा Zoom meeting में भी मैंने आपको parenchyma पढ़ाया था. Polygonals होते हैं और इनके बीच में intercellular spaces ज़्यादा होती हैं. They are rounded in structure. They may be oval. They are isodiametric. मतलब पूरे का diameter same होता है. ये content मैंने आपको Zoom में पढ़ाया था और साथ में ही YouTube पे की class में भी बताया था. अब इसके important functions की अगर बात करते हैं तो पैकेजिंग टिश्यू है. ठीक है? फिलिंग टिश्यू है. ये जो भी इसके अंदर जाइलम फ्लोएम है, स्किन है, कॉर्टेक्स है, तो बाकी जो ऐसे कॉर्टिकल रीजन है वो पैरेन्काइमा का बना होता है. ठीक है? तो ये टोटल फिलिंग का काम करते हैं. पैकेजिंग टिश्यू कहलाता है, या फिर इट इज गोइंग टू फिल द स्पेसेस बिटवीन द अदर टिश्यू. और सेकेंड पॉइंट आप ये लर्न करिए, इट स्टोर्स एंड एसिमिलेट फूड. पैरेन्काइमा सर्व एज अ फूड स्टोरेज टिश्यू, फूड स्टोरेज करने का काम करता है. जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में लास्ट टाइम पे भी पूछा था कि अमाइलोप्लास्ट किसमें होता है, तो आई टोल्ड कि अमाइलोप्लास्ट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द फूड विच इज योर फेवरेट, दैट पोटैटो. सफ़ेद रंग का जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है, तो वो भी पैरेन्काइमा का बना हुआ है. मतलब अमाइलोप्लास्ट जो है वो पूरा का पूरा स्टार्च जो है वो पैरेन्काइमा का स्टोरेज फॉर्म है, जिसको आप आलू बोलते हो. क्या खाते हो आप उसमें पैरेन्काइमा, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था. थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स अकर थ्रू सेल्स और सेल वॉल ऑफ पैरेन्काइमा. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल फिलहाल आप छोड़ दीजिए, यू जस्ट गो फॉर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 6. दे आर गोइंग टू स्टोर टेनिन, गम, क्रिस्टल, रेजिन्स, इनऑर्गेनिक वेस्ट, ये सारी चीज़ों को भी स्टोर करने का काम पैरेन्काइमा करता है.
और साथ ही साथ में ये एक स्टार पॉइंट था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि इफ पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दैट्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड सो एज टू डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है तो उसका नाम क्लोरेन्काइमा हो जाता है, याद रखिएगा, और इसमें फोटोसिंथेसिस होने लगता है। और ऐसा कहाँ पे होता है? इट इज फाउंड इन द मेसोफिल ऑफ द लीव्स, लीव्स के अंदर का जो टिश्यू होता है उसे हम मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और अगर पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है तो क्या होता है, दैट स्पेस इज गोइंग टू बी फिल्ड बाय एयर, तो उसमें एयर भर जाती है जिसकी वजह से वो लाइट वेट हो जाता है। और ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। तो उस टिश्यू को जिसमें बहुत सारा ऐसा पैरेन्काइमा जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, इट इज नोन एज एरेन्काइमा। फिर ज़ीरोफाइट्स में, इन ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स मतलब होता है जैसे हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, वाटर में सर्वाइव करने वाले। ज़ीरोफाइट्स कौन से होते हैं, एरिड प्लांट्स होते हैं, दीज आर सकुलेंट्स, ठीक है। इनका जो टिश्यू होता है वो काफ़ी स्पॉन्जी होता है, उसमें वाटर स्टोर करते हैं ये ताकि ये सर्वाइव कर सके, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गेट सफिशियंट वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो जितना भी पानी मिलता है उसको ये अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो पैरेन्काइमा है वो वाटर स्टोर भी कर सकता है। पैरेन्काइमा कैन स्टोर द वाटर, इफ पैरेन्काइमा इज हैविंग द क्लोरोप्लास्ट देन इट कैन डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इफ द पैरेन्काइमा इज हैविंग मच मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस देन इट कैन फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ऑल्सो, देन इट इज नोन एज एरेन्काइमा। पॉलेन्काइमा, एरेन्काइमा, ठीक है। और इस तरीके से आपको दोनों टर्म्स याद रखने हैं। तो यहाँ पे अब 5:56 हो चुके हैं, तो हेयर इज द टाइम टू रिमूव द अटेंडेंस लिंक। सो व्हाट इज एरेन्काइमा? एरेन्काइमा क्या होता है? श्रुति शर्मा जी, एरेन्काइमा क्या होता है, टेल मी। श्रुति, व्हाट इज एरेन्काइमा? Parenchyma is a type of parenchyma in which intercellular spaces are more, and that is the reason it is going to have light weight so that it can float on the surface of water. Yes, it's having the larger cavities. Okay, so parenchyma is also the type of parenchyma. इंटरसेलुलर स्पेसेस मोर होगा, और साथ ही साथ में आप जैसे देख सकते हो एरेन्काइमा में, पैरेन्काइमा एक्ट एज़ वाटर स्टोरेज, तो वाटर स्टोरेज वाला ज़ीरोफिटिक में करेंगे। हाइड्रोफाइट्स में क्या करेंगे, दे आर हैविंग द लार्ज एयर कैविटीज एज वेल एज इंटरसेलुलर स्पेसेस, दोनों ही होता है बेटा। मतलब ऐसा मान करके चलो कि जैसे ये पैरेन्काइमा ना, इसके बीच में बड़े बड़े एयर कैविटीज ऐसे, और साथ में इंटरसेलुलर स्पेस, तो दोनों ही चीजों में क्या होगा, एयर, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ एयर, इट इज गोइंग टू बी वेरी लाइट वेट सो दैट इट कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। गॉट इट? तो एरेन्काइमा कैसा होता है, द टाइप ऑफ पैरेन्काइमा व्हिच कंटेन लार्ज एयर कैविटीज, ये भी हम बोल सकते हैं, सो दैट इट इज गोइंग टू हैव द बायंसी। बायंसी मीन्स क्या होता है, एबिलिटी टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जैसे शिप
क्या होता है, शिप इज वेरी हैवी ऑब्जेक्ट, देन ऑल्सो इट इज एबल टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. डू यू नो व्हाई एंड हाउ? जैसे आपने प्लांट्स देखे ना, कमल आपने देखा होगा, लोटस जिसको आप बोलते हो, इट इज एबल टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. देर आर मेनी अदर ऑल्सो प्लांट्स विच कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. तो वो पानी में डूब क्यों नहीं जाते, पानी के ऊपर क्यों तैरते हैं? शिप इज सच अ बिग हेवी ऑब्जेक्ट, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू float on the surface of water. And there is a one more object which is known as nail. Nails matlab keel, theek hai, that is the iron nail. When you are going to drop it in water, it is not at all going to float on the surface of water, although in comparison to the big ships or boat, it is very light. Then why, how, kyun? बताइए बताइए. इफ एनीवन नोज देन प्लीज गिव मी द आंसर. यू फाइंड आउट द आंसर, गेट इट डन एंड सेंड मी दैट आंसर ऑन व्हाट्सएप. बेटा जब क्यूरियोसिटी आती है तो आपके पास में दो तरीके होते हैं. आइदर यू जस्ट go and ask to your teacher, but instead of asking your teacher, there is a one more option. Try to browse it. Dhoondo, dekho, padho. Google Baba Jindabad. Books hai hamare paas mein, Google hai hamare paas mein. So let's browse and find out the answer. It's not now. After the class, you have to send me the answer. Nail is not able. Nail is not able to float on the surface of the water. But ships and boats can. तो ये कैसे होता है? ठीक है? I'm not asking right now. Narayan Mukesh ji, आप तो आज की क्लास में दिख रहे हैं. आज के पहले तो आप कभी नहीं दिखे. कहाँ थे आप? मेरे पास बेटा अटेंडेंस बड़ी है. ये जो पीटी आपका 2 आ रहा है, उसके पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है आपके लिए. फॉर दोज हु हैव नॉट अटेंडेड, ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टाइप. That is a colenchyma. तो बेटा colenchyma के पहले अपन सेल्स देख लेते हैं, क्योंकि अपन ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना? तो ये क्या है colenchyma? Colenchyma का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है. As you are able to see that these are the cells. तो इसका सबसे बेस्ट डायग्राम ये वाला है. इसमें क्या देखने को मिलता है अपने को, मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखा रही हूँ. सो व्हाटएवर द सेल्स विल बी देयर, इट इज गोइंग टू हैव द थिकनिंग इन द एजेस. सो थिकनिंग विल बी देयर इन द एजेस, किनारों पे हो गई थिकनिंग. ये देखो ये थिकनिंग. ठीक है बेटा, इस तरीके से यहाँ पे जो एजेस होंगे, दे विल बी हैविंग द थिकनिंग. ओके, सो दिस इज व्हाट इज फाउंड इन केस ऑफ colenchyma. तो डायग्राम समझ में आ गया तो सारा काम समाप्त हो जाता है, सब कुछ समझ में आने लगता है धीरे धीरे. टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स. इसमें सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, और साथ ही साथ में अपन के यहाँ पे जो सेल्स हैं ये भी लिविंग थे. आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों मेंशन किया जा रहा है, हम तो सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेल तो लिविंग ही होगा ना, है ना? Do you have this perception in your mind that cell is going to be living only? अरे दिनेश सोनी यार, दिनेश सोनी आप बड़ी जल्दी आ गए बेटा जी. इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी आपको, क्लास खत्म होने के बाद भी आ जाते, 2-4 मिनट बचे होते तो भी आप अटेंड कर सकते थे, है ना? तो बेटा सेल्स तो हमारे पास में बहुत सारे हैं. अब आप ये बताओ कि इन योर बॉडी
all the cells are living or some of the cells are dead. Come on. आपकी बॉडी के सारे सेल्स लिविंग हैं, आपकी बॉडी के सारे सेल्स लिविंग हैं क्या? अभी आपको समझा कि मैंने आपको ये चीज क्यों टैग करने को बोला कि यू हैव टू टैग द सेल टाइप इज लिविंग और नॉट. सपोज यहाँ पे आपको पेरेंकाइमा बोला गया, तो पेरेंकाइमा लिविंग है, ठीक है. कोलेनकाइमा भी लिविंग है. सो व्हाटएवर द डेड सेल्स आर देयर, सो वी आर नॉट बियरिंग दोज डेड सेल्स. आप सब निकाल करके फेंक देते हैं क्या? सम सेल्स आर डेड. तो आपने जैसे कि एग्जाम्पल दिया, हेयर्स हैं हमारे, नेल्स हैं, तो नेल्स का हम जो अपर पार्ट विच इज नॉट अटैच टू आर स्किन, दैट पार्ट ओनली वी आर एबल टू रिमूव. हम सिर्फ उतना ही काट सकते हैं, क्योंकि जो पार्ट, नेल तो डेड है, नेल को काटने से दर्द नहीं होता है, बट इट इज अटैच टू द स्किन, इंटरनल स्ट्रक्चर जिसके साथ में वो अटैच है, इट्स लिविंग. दैट इज द रीजन वी आर नॉट एबल टू रिमूव द नेल विच इज अटैच टू द स्किन. ओके, व्हाट अबाउट योर हेयर्स? बाल काट सकते हैं अपन? कुछ दर्द होता है बाल काटने में? Have you ever realized a sort of pain when you are going to a barber shop or saloon for a haircut? Any sort of pain you have felt? तो बेटा आपको बार्बर शॉप में बाल कटने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ये भी आपके डेड सेल्स हैं. तो मतलब हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि डेड सेल्स है, देन ऑल्सो वी आर कीपिंग दोज डेड सेल्स, है ना. सो इन द सेम वे इन अ प्लांट बॉडी ऑल द सेल्स आर नॉट लिविंग, दे आर ऑल्सो हैविंग सम ऑफ द सेल्स विच आर डेड. गॉट इट? इज इट क्लियर? समझ में आया कि why you have to mention whether the cell type is living or it's dead? Fine. सभी को समझ गया, बहुत अच्छी बात है, आप सब बधाई के पात्र हैं. चलिए let's proceed. It shows many features in the parenchyma. इसमें बहुत सारे parenchyma के features होते हैं, और इसमें एक important चीज होती है extra cellulose. ये बेटा topic although मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपके लिए revise कर ली हूँ. Notes complete कर लिएगा, कष्ट करिएगा, बहुत ज़्यादा depth में नहीं जाऊँगी मैं, इसके कुछ important points ही बताने वाली हूँ, उससे ज़्यादा नहीं. कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स में पाया जाता है, ठीक है. इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें जनरली नहीं होते हैं, जो कि पैरेन्काइमा में थे. कोलेनकाइमा सेल्स आर इलोंगेटेड. ये कैसे सेल्स होते हैं? लंबे सेल्स होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, ये लंबे सेल्स होते हैं ऐसे. दे कंटेन अ फ्यू क्लोरोप्लास्ट, बहुत थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है. कहाँ पे पाए जाते हैं? एपिडर्मिस के नीचे, यानी कि जो प्लांट की स्किन होती है ना, आउटर स्किन, उसके नीचे पाए जाते हैं. ओके, हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, रिमाइंड दिस वन. कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोपॉड स्टेम. कोलेनकाइमा कहाँ पे नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है. तो भाई जहाँ पे नहीं होता, अगर हम वो याद कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू लर्न वेयर इट इज प्रेजेंट. सो कोलेनकाइमा इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकॉट्स ओनली, इट इज गोइंग टू बी एब्सेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट्स. रूट, स्टेम, लीव, सब जगह एब्सेंट. मैकेनिकल टिश्यू होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला टिश्यू, ठीक है. It provides tensile strength with flexibility to those organs in which it is found.
इट अलाउज इजी बेंडिंग. ये क्या करता है, प्लांट को बेंड करने में सहायक होता है. जैसे कि व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट टाइम द प्लांट इज गोइंग टू बेंड अ लिटिल, तो क्या होता है कि उसके टूटने के आसार होते हैं स्टेम के या फिर ब्रांचेस के. तो वो आपके जो मैकेनिकल टिश्यू होता है इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम गेटिंग ब्रोकन डाउन, ठीक है. बट अगर विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इफ इट्स अ स्ट्रांग, तो आपने कई बार देखा होगा कि पेड़ टूट करके गिर जाते हैं, है ना, जब इंटेंसिटी ऑफ द विंड इज टू मच स्ट्रांग. व्हेन सेल्स ऑफ द कोलेनकाइमा कंटेन सम क्लोरोप्लास्ट दे मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टार्च. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा. अगर अगर कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जो कि बहुत थोड़ा बहुत ही होता है, तो वो क्या क्या बनाते हैं, शुगर एंड स्टार्च. व्हाट दे विल बी फॉर्मिंग, शुगर एंड स्टार्च, मतलब समझ जाइए कि फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे ना, तभी तो शुगर एंड स्टार्च बन रहा होगा. चलिए, नाउ इट्स योर टाइम टू राइट डाउन द डिफरेंस इन बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. तो प्लीज डोंट रिपीट द पॉइंट्स. अगर एक पॉइंट किसी ने दे दिया है तो आप उसे कॉपी ना करिए, गो फॉर अनदर पॉइंट. कम ऑन, डू इट फास्ट. चलो भाई, कार्तिकेय बुरगाटे जी, दिव्यांका जंगे, श्रुति शर्मा, अनुनय नंदगीरवार जो कि एब्सेंट हैं आज, चंदना मड़स्कर जी, शांभवी दयाल, षष्टि असवाले, दिनेश सोनी जी, सिद्धक कौर जी, घनश्याम जी, पूर्वेश जी, ट्राई योर लेवल बेस्ट एंड राइट डाउन द आंसर. चलो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोलेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा, यू शुड नॉट रिपीट द पॉइंट. प्रतिश्रुता जी, काइंडली वेट, डोंट ट्राई टू रन फास्ट. बेटा जी, मैंने स्क्लेरेनकाइमा तो पढ़ाया ही नहीं अभी, मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था जब चार्ट पढ़ाया था, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो बट आज मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, अभी मैं आपको कुछ देर बाद पढ़ाने वाली हूँ. सो विल यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस इन बिटवीन पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा. अरे भाई, क्या लिख रहे हो यार, तुम लोग को समझ में नहीं आता, कोलेनकाइमा हैज लिविंग सेल्स, क्या लिख रही हैं प्रतिश्रुता जी. गो फॉर द स्पेसिफिक आंसर्स. चलिए, आई एम गोइंग टू प्रोसीड फॉर द स्क्लेरेनकाइमा, और आज का होमवर्क आपको उसके बाद में देती हूँ. होमवर्क करोगे एकदम तबियत सही हो जाएगी. ये कैसा होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मोस्ट, मतलब व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थ्री, तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. तो पैरेनकाइमा वो टिश्यू होता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने जिसको अभी अभी परमानेंट किया है, मतलब अभी अभी उसका जॉब पक्का हुआ है, तो वो पैरेनकाइमा बनता है, ठीक है. फिर पैरेनकाइमा में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हैं, तो फिर कुछ कोलेनकाइमा बनेंगे, कुछ स्क्लेरेनकाइमा बनेंगे, ठीक है. सो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड सेल्स एंड दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट. द पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड मतलब लिखो कि यहाँ पर इन सेल्स के अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है. So, the cell which is not having protoplasm, which is going to be considered as living or dead. तो भाई, जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा वो लिविंग सेल कहलाएगा या फिर डेड सेल्स. ओके, कोलेनकाइमा स्पेसिफिकली फाउंड इन लीव्स, स्टेम्स, पेटियोल्स. अच्छा जी, और बताइए, पैरेनकाइमा हैज थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स, वेयर इज कोलेनकाइमा हैज थिक सेल वॉल. ठीक है सिद्धिका जी, पैरेनकाइमा आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैरेनकाइमा सेल्स आर. ओके, द पैरेनकाइमा हैज इंटरसेलुलर स्पेसेस विद इन सेल, देयर इज नो और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस. सही है बेटा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन कोलेनकाइमा डेड सेल्स. संध्या जी ने अगले क्वेश्चन का उत्तर देते हुए बोला है कि जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, द सेल्स व्हिच इज गोइंग टू लैक द प्रोटोप्लाज्म इज गोइंग टू बी कंसीडर एज डेड सेल्स. व्यांका जी, क्या लिखा है आपने, वॉल थिकनिंग कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज इन कोलेनकाइमा, वॉल थिकनिंग कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज
इन पैरेन्काइमा, दोनों में ही सेलुलोज की थिकनिंग है, तो फिर अंतर क्या है? ओके, तो इंगे जी ने क्या लिखा है, पैरेन्काइमा हैज इंटरसेलुलर स्पेसेस, बिल्कुल सही है, और पैरेन्काइमा के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं. ओके हाँ, उनमें एजेस में थिकनिंग होती है, ये याद रखना है आपको पैरेन्काइमा सेल्स में, ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल्स. सपोज दिस इज द सेल, वन मोर सेल आई एम गोइंग टू शो यू. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द सेल. सो नाउ वट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट सी अब इस सेल के अंदर देखो, जो चीज यहाँ पर केवल किनारों पे, केवल एजेस पे थिकनिंग थी, वैसी ही चीज का थिकनिंग देखो, केवल किनारे मैंने देखा है, जहां पे ऐसे एजेस मिल रहे हो वहां पे थिकनिंग है. ये देखो डायग्राम देखो ना, इसमें दिख रहा है, देखिए ऐसे सेल बना हुआ ना, तो उसके एजेस में आपको थिकनिंग दिख रही है, पूरी पूरी सेल वॉल में नहीं है. बट दिस सॉर्ट ऑफ, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनदर कैटेगरी, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा. सो स्क्लेरेन्काइमा बेसिकली हैव द थिकनिंग इन द एंटायर सेल वॉल. ये देखो अब एजेस में नहीं है, पूरी की पूरी सेल वॉल में है. और ये बात उन बच्चों को जरूर याद होगी जिन्होंने परमानेंट टिश्यूज का वो चार्ट पढ़ा होगा जो मैंने बोर्ड पे आपको दिया था. सो इन दिस वे थिकनिंग इज गोइंग टू बी देयर इन द एंटायर सेल वॉल, एंड हियर द थिकनिंग बिलोंग्स टू विच सब्सटेंस, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लिग्निन. यहाँ पे जो थिकनिंग है वो लिग्निन की वजह से है, और यहाँ पे जो आपकी थिकनिंग थी वो सेलुलोज की वजह से थी. तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो यू कैन फोकस ऑन दिस वन. सो लेट मी कंप्लीट, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस अमंग दीज सेल्स. ओके, सच सेल वॉल्स आर कॉल्ड लिग्निफाइड. तो बेटा इस तरीके की जो सेल वॉल होती है जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, दीज आर नोन एज लिग्निफाइड सेल्स. Due to excessive thickening of the parenchyma cell wall, it is cell's cavity or lumen become nearly absent. तो अब आप मान करके चलिए जब इतना सारा थिक हो रहा है, रुको, अब ये देखो अगर सेल वॉल पूरी की पूरी ऐसे अंदर की तरफ से डिपोजिशन होता जा रहा है, क्या किसी को पता है ये ऑरेंज कलर का जो डिपोजिशन मैं बना रही हूँ वो क्या है? ऐसे अगर मैं इसको थिक करती चली जाऊं तो आर यू एबल टू सी दैट इंटरनल स्पेस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इट इज गोइंग टू बिकम टू मच नैरो. बचा हुआ अंदर का जो हिस्सा है वो बहुत कम हो चुका है. समझ में आ रहा है? है ना, तो ये आपका अंदर का जो स्पेस है वो बहुत कम बचेगा, और इनकी जो सेल वॉल है ना बेटा, इट इज गोइंग टू बिकम टू मच थिक. देखो कितनी थिक हो गई ना लिग्निन की वजह से. ऐसी सेल्स जो होती है वो लिग्निफाइड सेल्स कहलाती है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? So I'm not going, now I'm going to erase it because I have to read the content for you. तो यहाँ पे deposition काय का है बेटा, यहाँ पे deposition है lignin का, वहाँ पे deposition था cellulose का. So due to excessive thickening, excessive मैंने आपको अभी कर कर ये पूरा दिखाया आपको, द सेल कैविटी और द ल्यूमन बिकम्स नियरली एब्सेंट, अंदर का जो इंटरनल स्पेस है वो लगभग नाम के बराबर बचता है, बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, इतनी ज्यादा सेल वॉल थिक हो जाती है. सो द सेल ऑफ पैरेन्काइमा क्लोजली पैक्ड, ऐसे सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ फिट हो जाती है, ठीक है, जैसे मोजैक, मोजैक होते हैं ना फ्लोर पे, अपन मोजैक लगाते हैं, आप टाइल्स लगाते हो तो एक दूसरे के साथ एकदम
बिना स्पेस के सटा सटा के लगाते हैं, ठीक है। अ कॉन्स्पिशियस मिडल लैमेला एग्जिस्ट बिटवीन द टू स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स, तो जो बेटा स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होती है ना उनके बीच में एक पतली पतली सी केवल मार्किंग जैसी होती है, ये देखो लिग्निफाइड सेल्स, देखो ये देखो कितना सारा डिपोजिशन है, इसकी वजह से जो ल्यूमेन है ना, ल्यूमेन अंदर की जो कैविटी होती है बेटा उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, देखो ये रही ल्यूमेन और ये सारा का सारा डिपोजिशन है, किस चीज का, ये सब लिग्निन है, समझ में आया, इज दिस एंटायर इज लिग्निन एंड दिस इज व्हाट इज द इंटरनल ल्यूमेन, ठीक है। और ये सेल्स कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। मिडल लेमिना इज अ थिन लेयर ऑफ सीमेंटिंग सब्सटेंस, इन दोनों जैसे फॉर एग्जांपल दो सेल है, दो सेल के बीच में जो लेयर होगी दैट इज नोन एज मिडल लेमिना। उतना ज्यादा अब इसमें अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही अपने को पढ़ना था जो कि इम्पोर्टेंट था। ओके, लिग्निन जो होता है, सॉरी स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स को बेटा फाइब्रस सेल्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखो तो ये फाइबर के जैसे दिखने में होते हैं, लॉन्ग नैरो थिक लिग्निफाइड सेल्स, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करते हैं लेंथ की, तो ये 1 मिलीमीटर से 550 मिलीमीटर हो सकती है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अकरेंस की, ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये सेल्स। स्क्लेरेंकाइमाटा अकर्स इन अबंडेंट इधर इन पैचेस और डेफिनेट लेयर, दे आर फाउंड इन स्टेम, ये स्टेम में पाए जाते हैं, रूट में, वीन्स ऑफ द लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स। आपने कभी एलमोंड खाया है, कवर वाला, कवर वाला मतलब ड्राई कवर जिसका लाइट ब्राउन सा कलर कवर होता है, और कोकोनट तो भाई सब हम सभी ने खाया, तो कोकोनट का जो आउटर कवर होता है इट्स वेरी हार्ड, स्टोन के पत्थर के जैसा होता है, अगर इसको उठा करके किसी को मार दिया जाए तो उसका सर भी फूट सकता है ना, तो वो जो उसकी हार्ड कवरिंग है वो क्यों होती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा। ओके, ये नट्स वगैरह को हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू रिप्रेजेंट इन मेसोका, सो इतना आपको देना है, ठीक है। हार्डनेस प्रोवाइड करती है, सीड का कोट बनाती है, नट के शेल बनाती है, ठीक है। नाउ यू आर सपोज टू राइट डाउन द डिफरेंस इन बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, चलिए राइट डाउन द डिफरेंस इन बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, आई विल बी बैक इन फ्यू सेकेंड्स। वेरी गुड, कोलेनकाइमा जो है इट्स कंटेनिंग लिविंग सेल्स, जबकि स्क्लेरेंकाइमा में डेड सेल्स होते हैं। चलिए लिविंग और डेड से आगे बढ़िए, देखो मैंने आपको वो सब्सटेंस बताया जो इसमें डिपॉजिट होता है, फॉर एग्जाम्पल अब आप बताओगे, मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोलेनकाइमा सेल्स में जो उसके एजेस हैं उसमें किस चीज का डिपोजिशन रहता है, कोलेनकाइमा सेल्स के एजेस में जो मटेरियल डिपॉजिट होता है व्हाट इज दैट वन, वो क्या है बेटा, वेरी गुड, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज योगेश जी ने बताया है। अब वैसे ही मुझे बताइए व्हाट इज द सब्सटेंस व्हिच इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, इट्स अ लिग्निन, लिग्निफाइड सेल्स आर देयर, ठीक है।
ल्यूमेन की अगर हम बात करते हैं, लिसन, ल्यूमेन मतलब अंदर का खाली हिस्सा, तो ल्यूमेन इज नैरो इन केस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। चलो आज का होमवर्क की अगर हम बात कर लें अब, है ना, मुद्दे पे आ जाते हैं अपन। तो आज का होमवर्क है डिफरेंशिएट बिटवीन, राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और ये होमवर्क आपको सेंड करना होगा आपके गूगल क्लासरूम में। Where you are supposed to send your homework by 5 p.m. today, you have to send the homework in Google Classroom, and your homework should contain the diagram of these three. आप दो शीट ले लीजिए, दो पेपर ले लीजिए, पैरेन्काइमा पहला, सेकेंड रो कोलेन्काइमा, थर्ड रो स्क्लेरेन्काइमा, और नीचे तीनों के डायग्राम बनाएंगे आप, जो पॉइंट्स लिखेंगे वो एकदम। हाँ जी, गूगल क्लासरूम में आई एम गोइंग टू असाइन यू आफ्टर द क्लास, मैं आपको क्लास खत्म करने के बाद में असाइन करने जा रही हूँ होमवर्क। तो कृपया करके आप होमवर्क गूगल क्लासरूम में सेंड करिए बाय 5 PM टुडे विदाउट एनी फेलियर, क्योंकि जो बच्चे होमवर्क सेंड कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड है। सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू बियर द लॉस, काइंडली डू द वर्क विच यू आर सपोज टू डू। Understood? So now I am going to wind up the session. I hope the content is clear to you. If not, then you can ask me on my WhatsApp number. Agar aapko kuch doubt hai to. Okay? So that's all for today from my side. Have a good day. Take care. Bye-bye. See you.